Hey guys, my name is Tushar and welcome back to the channel. So, आप लिनक्स में एक ही टर्मिनल का लुक देख के एंड उसे यूज करके बोर हो गए हैं, तो आज के इस वीडियो में हम एकदम नया फ्रेश टर्मिनल लाइक हैकर जैसा हम इंस्टॉल करेंगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। हाँ, बट उसे यूज करके आप हैकर तो नहीं बन सकते, या बन भी सकते हो, बट हाँ एक नया फीलिंग आएगा आपको यूज करते समय। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा ब्राउजर में एंड यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा आपको edex-ui, देन एंटर करना है। उसके बाद जो फर्स्ट लिंक है गिटहब का, वो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, आपका जब विंडोज में आप इंस्टॉल करना है तो आप विंडोज पे क्लिक करके वो सेटअप डाउनलोड कर सकते हो। मैक सिस्टम रहेगा आपको तो आप मैक सिस्टम में आप वन टाइम सेटअप है वो इंस्टॉल करना है, देन वो डाउनलोड करना है, देन इंस्टॉल करना है। एंड आप लिनक्स में अभी हमको करना है तो हम यहाँ पे लिनक्स में क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पहले ही डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इंस्टॉल करने के लिए आप इसके प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में देन परमिशन देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अलाउ एग्जीक्यूटिंग फाइल एज अ प्रोग्राम, देन आपको क्लोज करना है एंड अपना सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। राइट साइड में कीबोर्ड के ऑप्शन आ रहे हैं और देख सकते हो यहाँ पे हमारा मेन स्क्रीन है। तो यहाँ पे हम कमांड लिखते हैं चेक करने के लिए कौन से वर्किंग डायरेक्टरी में है, pwd। तो आप देख सकते हैं हम रूट फोल्डर के अंदर कॉन्फिग फाइल में है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप करंट आपका टाइम देख सकते हो, देन नीचे सब फाइल सिस्टम है, आप कौन से डायरेक्टरी में गए सब यहाँ पे फाइल सिस्टम रहेगा। देन यहाँ पे साइड में कीबोर्ड का ऑप्शन है तो आप नीचे से क्लिक करके भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। हम अब थीम चेंज करेंगे, देखते हैं यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे हम ए थीम सिलेक्ट करते हैं। थीम पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे वाइट कलर चेंज हो गया है, तो इतना कुछ खास नहीं है। तो चलिए दूसरा थीम हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे हमारा थीम सिलेक्ट करते ही यहाँ पे कलर चेंज हो गया। तो शो डिटेल्स पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सब डिक्स एंड फाइल सिस्टम शो हो रहे हैं। तो एग्जिट करते हैं हम। तो अब हम हमें रूट में आना है, तो आप देख सकते हो हम यहाँ पे लिखेंगे cd/ लिखेंगे तो हम जाएंगे रूट डायरेक्टरी में और नीचे भी फाइल सिस्टम हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे cd/ करते ही हम देखो नीचे फाइल सिस्टम हमारा चेंज हो गया है। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा फाइल सिस्टम चेंज हो गया है। तो आप यहाँ पे दूसरे भी कमांड टाइप कर सकते हो लाइक cal। तो डेट लिखते ही यहाँ पे हमारा पूरा डिटेल शो हो रहा है। तो आप यहाँ से भी अपना लाइव टर्मिनल यूज कर सकते हो। देन यहाँ पे आप empty जो दिख रहा है तो यहाँ पे एक नया टर्मिनल ओपन हो जाता है। तो आप अलग अलग empty टर्मिनल पे क्लिक करके एक नया टर्मिनल से आप यूज कर सकते हो। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेमोरी भी शो हो रहा है, करंट यहाँ पे कौन से टॉप प्रोसेस हमारे रनिंग चल रहे हैं वो भी शो हो रहे हैं, और यहाँ पे लाइव में आप नेटवर्क एंड वो सब डेटा देख सकते हो। तो सिंपल सा अभी मुझे यहाँ से एग्जिट करना है, तो कमांड लिखेंगे हम एग्जिट देन एंटर। देख सकते हो आप यहाँ पे हम हमारे मेन स्क्रीन में आ गए। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।